नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं DSSB की आंसर की। ये है TGT सोशल साइंस फीमेल की। दोस्तों, जितने भी पेपर 1 से 10 अक्टूबर के बीच में हुए थे, उन सभी के आंसर की आ गई है। तो आज सबसे पहले हम जो आंसर की करवाने वाले हैं, वो है TGT सोशल साइंस फीमेल, और इसका सेकेंड पार्ट करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कल तक हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तिभागा आंदोलन के संदर्भ में सही है? यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। यह जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था, ये भी ठीक है। इसका नेतृत्व स्वामी सदानंद ने किया था, ये गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो ये हुआ था। नेक्स्ट है, ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो ये हुआ था निकोलस सेकंड। नेक्स्ट है, 29 मार्च 1857 को डैस ने अपने यूरोपीय अधिकारियों पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। तो ये थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज और राजा बनने का वर्ष का कौन सा युग्म सही है? जो सही है वो बताना है। तो ये है लुई 16 1774, ये वाला ठीक है। लुई 15 1778 गलत है। लुई 14 1779, ये भी गलत है। तो केवल 1 सही है। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में शुरू हुई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिग्रहण की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है यदि राज्य का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं मानते। तो दिए गए विकल्पों में से वह नीति चुनिए जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति के अनुसार वो अपने राज्य में उसको मिला लेते थे। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति से पहले रूसी मजदूर वर्ग काफ़ी हद तक डैस में केंद्रित था। तो ये था कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था बंगाल के विभाजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलनों को डैश चरणों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 3 भागों में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन था? तो ये थे लुई 16। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दोनों ठीक हो जाएंगे, बी ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया था? तो ये आया था 1799 ईस्वी में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस साल में लुई 16 ने पेरिस के लिए प्लान किया था? तो ये किया था 1791 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैस में हुई थी? तो ये हुई थी सबसे पहले ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसंबरिस्ट विद्रोह 1825 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। तो प्रतिभागी किसान और समाज के कार्यकर्ता थे, ये गलत है। सेकंड है, प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो ये ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सत्र में कौन शामिल नहीं हो पाए थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे, इनमें से कौन थे वो बताना। तो ये थे MG रानाडे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुई 16 को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया था? तो इन्हें रखा गया था तुइल रिज पलेश, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में जमींदारी डैश में समाप्त कर दी गई थी, तो ये समाप्त कर दी गई थी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नेबुलर परिकल्पना डैश द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी लाप्लास के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्रों के संघ को छोड़ दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही, जो सही है वो बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मंचुकुओ प्रशासन की गैर अमान्ना। नेक्स्ट है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन प्रचलित है, तो ये है बर्फानी तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है, तो ये होती है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया, तो ये किया था 1941 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फांसीवाद किस देश में उभरा था, तो ये उभरा था इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को डैश के रूप में भी माना जाता है, तो ये माना जाता है मार्क्सवाद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय भूकंपीय तरंगे एस तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो सही है वो बताना है, तो इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, गलत है, ये तरंगे द्रव्य पदार्थों से होकर नहीं गुजरती, ये सही है, इनकी गति सतही तरंगों से कम होती है, ये भी गलत है, तो केवल ऑप्शन दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल का परिक्रमण काल क्या है, तो ये है 687 दिन, 687 दिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो सही है वो बताना है, यूटोपियन समाजवादी अपनी दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे, गलत है, यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स एक डैश विचारक थे, व्यवसायी समाजवादी, तो सेकंड सही हो जाएगा, समाजवादी विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पिंड में पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण डैश कहलाता है, तो ये कहलाता है चालन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध सेकंड से पहले किया गया था, तो फर्स्ट है, इसने इटली को 1938 में संलग्न कर लिया था, ये सही है, इसने चेकोस्लोवाकिया को 1935 में विखंडित कर दिया था, ये गलत है, तो केवल वन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान का निर्माण बलवा पत्थरों के कायांतरण के कारण हुआ है, तो यह क्वार्ट्जाइट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए, तो ये थी वर्साय की संधि। नेक्स्ट है, प्रेरी घास मैदान डैश में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो सही है वो बताना है। फर्स्ट है, पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता, सही है। सेकंड है, मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा, ये भी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सीमा परत डैश से बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवन को हिमभक्षक के रूप में जाना जाता है, तो चिनुक पवन को हिमभक्षक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के उत्पादन में शामिल
नहीं है, जो शामिल नहीं है वो बताना है। तो ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल किस देश में है? तो दूसरा सबसे बड़ा जाल इंडिया में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती? तो जो नहीं पाई जाती वो बतानी है, तो वो है आबनोस, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA की तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। फर्स्ट है, तदर्थ पद्धति का उपयोग उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब समय की कमी होती है या जानकारी की कमी होती है, तो ये सही है। सेकंड है, मैट्रिक्स तकनीक एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में लौह और इस्पात उद्योग की समस्याओं के रूप में पहचाना गया है? तो इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोकिंग कोल की उच्च लागत, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट तट क्षेत्र में समुद्री तल से सुनामी लहरों के पानी की ऊंचाई को डैश कहा जाता है। तो इसे सुनामी ऊंचाई गलत है, बाढ़ दूरी गलत है, प्रवाह गहराई गलत है, सुनामी रन अप कहा जाता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने अपनी जनसंख्या को विनियमित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी चीन ने। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं महासागर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गल्फ स्ट्रीम, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। लेबाडोर धारा, प्रशांत महासागर, ये सही नहीं है। पेरू धारा, हिंद महासागर, ये भी सही नहीं है। तो जो केवल ऑप्शन वन है वो सही है, गल्फ स्ट्रीम, अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये है कोलकाता बंदरगाह, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबी की फसल डैश से बोई जाती है, तो ये बोल जाती है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक आपदा है? तो सुपोषण एक जैविक आपदा है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत है? तो सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली रेंज है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है गोदावरी नदी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा संयोजन भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम के अनुसार सही ढंग से अनुक्रमित है? तो ये है गंगा, सिंधु और महानदी। नेक्स्ट है, साधारण निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है? खेती के पेंच आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, सही है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ये भी सही है। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून के पीछे हटने का मौसम डैश के महीने से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है अक्टूबर के महीने से, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसी उद्योग की अवस्थिति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? कच्चा माल, सही है। जलवायु, सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महान हिमालय और निम्न हिमालय को डैश द्वारा अलग किया जाता है। तो ये किया जाता है मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट के द्वारा। ए ऑप्शन सही है, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट। नेक्स्ट है, आपदा का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही योगदान है धीमी गति के सेट पर आपदा समुद्र के सतर में वर्दी। ठीक है, त्री ऑनसेट आपदा लावा प्रवाह। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के नवशास्त्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है वो बताना है। फर्स्ट है, यह आर्थिक विकास को गरीबी और असमानता को दूर करने वाला मानता है। ये सही नहीं है, यह मानता है कि विकास पूंजी निर्माण के लंबे समय के प्रभाव से होती है। ये ठीक है, तो केवल सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। तो दोनों ही ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र की विशेषताओं के रूप में नहीं माना जा सकता। तो ये है कुलीन तंत्र, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी प्रणाली का पालन किया जाता है। तो ये किया जाता है बहुदलीय प्रणाली, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, भारत के वाणिज्य बैंक नहीं, भारत सरकार सही है। भारत सरकार भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह क्षेत्र डैश है, तो यह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु को किस वर्ष में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये किया गया था 1988 में। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद में डैश विशेषताएं हैं। तो ये हैं एक श्रव्य खाद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकल नामांकन अनुपात GER किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचने और कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक तिहाई उपाय सही है। तो वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर उत्खनन पर अंकुश लगाना सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को प्रतिबंधित करना, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है वो बताना है। तो फर्स्ट है, भारत में केवल दो प्रमुख दल चुनाव लड़ते हैं, तो सही नहीं है। सेकंड है, पंचायतों की चुनाव नहीं होते हैं, तो पंचायतों में भी चुनाव होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ना ही एक और ना ही दो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, KC वेयर के अनुसार भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है वो कथन बताना है। तो ये है सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का एक प्रकार है।
तो सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है डैश सूक्ष आयातित या निर्यात की गई वस्तु के मूल्य पर आधारित है। तो मूल्य अनुसार शुल्क आयातित या निर्यात की गई वस्तु के मूल्य पर आधारित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में तरल संपत्ति की मांग और समय देनदारियों के अनुपात डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है वैधानिक तरलता अनुपात, ये ऑप्शन सही है, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है भारत में अधीक्षण निर्देशन और निर्वाचन के नियंत्रण डैश पर निहित है। तो यह निहित है भारत का निर्वाचन आयोग, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपाय हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये है M1 इजुकल टू लोगों द्वारा रखी गई करेंसी प्लस जनता की मांग जमा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का चिन्ह हाथी है। तो हाथी चिन्ह बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में डैश की प्रत्यक्ष मध्यस्थता और नियंत्रण भागीदारी पर आधारित है। तो यह है नागरिकों की प्रत्यक्ष मध्यस्थता और निरंतर भागीदारी पर आधारित है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद डैश शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। तो अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो बताना है, तो ये है राज्यों के राज्यपाल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था बोलिविया तथा पराग्वे के बीच, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में विधि के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है। तो ये की गई है भाग 3 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंतर निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में शामिल है। तो यह शामिल है समता का अधिकार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं सिटीजनशिप, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है। तो यह है भारत के महान्यायवादी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पंचायतों की संरचना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में शामिल है। तो यह है पंचायतों की संरचना भाग 9 में हमारे शामिल है। नेक्स्ट है शाही संविधान ने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत एक डैश प्रणाली की परिकल्पना की थी। नेपाल में राजनीतिक सत्ता में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो यह है संसदीय, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, जो सही है वो बताना है। अभिसारी पर्सन एक से अधिक उपयुक्त उत्तर सही नहीं है। अपसारी पर्सन केवल एक उपयुक्त उत्तर, तो ये भी सही नहीं है। तो ना ही एक और ना ही दो। नेक्स्ट है
सामाजिक विज्ञान में पाठ्य चर्चा घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भूगोल की प्रमुख प्रक्रियाएं, सही है। व्यक्तियों, पर्यावरण और संसाधनों के बीच अंतर संबंध, सही है। ऐतिहासिक निर्वचन कौशल, ये भी सही है। संविधान पर आधारित मूल्य, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन सारे ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्सन के प्रकार का संयोजक सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। गांधी जी आज जीवित होते तो उन्होंने क्या किया होता, काल्पनिक पर्सन, तो ये गलत है। यदि आप किसी बैंक के प्रबंधक होते, उत्तेजक पर्सन, तो ये भी गलत है। तो ए और दो दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए रणनीतियां हैं? पहले ताकत का निर्माण करना, सही है। विकल्प प्रस्तावित करना, ये भी सही है। रचनात्मकता को सुगम बनाना, ये भी सही है। एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे ही सही है। नेक्स्ट है, मिट्टी दृश्य कला और शिल्प की एक सामग्री है, मिट्टी का क्या महत्व है? तो फर्स्ट है, यह रचनात्मकता को बढ़ाती है, सही है। यह बारीक मोटर कौशल विकसित करती है, ये भी सही है। यह आँख हाथ के संयोजन को संभालने में मदद करती है, सही है। यह एकाग्रता में सुधार करती है और कला गतिविधियों में रुचि पैदा करती है, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक भेदभाव के स्रोत और रूप हैं? घर के अंदर श्रम का विभाजन, ठीक है। नियुक्ति, पदोन्नति और नियुक्ति, ये भी सही है। कानून और नियम, ये भी सही है। तो तीनों ही भेदभाव के रूप हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है, सृजनात्मक आंकलन अधिक औपचारिक है, तो ये गलत है। संकलात्मक आंकलन परिणामोमुखी है, तो ये सही है। सृजनात्मक आंकलन में ग्रेड अधिक भार वहन करते हैं, ये भी सही है। एक निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम में छात्र के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए संकलात्मक आंकलन का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र परिषद के चयन के लिए विद्यालय में चुनाव कराना, यह उपयुक्त कथन सामाजिक विज्ञान कक्षा में उपयोग की जाने वाली किस शिक्षण अधिगम रणनीति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विलंबित भाषण के कारण है? मानसिक मंदता, सही है। श्रवण दोष, सही है। व्यवहार संबंधी विकार, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक नाटक को भाषाई गतिविधि के रूप में उपयोग करना चाहता है तो किन विशेषताओं को शामिल करने की आवश्यकता है? फर्स्ट है स्वतंत्रता, सेकंड है आनंद। तो दोनों को ही शामिल करना पड़ेगा, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, स्वतंत्रता और आनंद। तो दोस्तों, ये था हमारा TGT सोशल साइंस फीमेल का जो पेपर हुआ था 1 तारीख को, उसका सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट भी हम शाम तक अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और DSSSB की कोई भी रिजल्ट, आंसर की या क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।